बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। बिहार में सरकारी पदों पर बंपर बहाली निकलने वाली है। लगभग 20,000 पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह ऐलान किया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में 20,000 युवाओं की भर्ती की जाएगी। मंगल पांडे ने कहा कि 10,000 रेगुलर और 8,000 से अधिक संविदा पदों पर नर्स की बहाली की जाएगी। जल्द ही बिहार सरकार बहाली प्रक्रिया को शुरू करेगी। बिहार सरकार प्राथमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाली करने वाली है। बिहार में शिक्षकों के पदों पर बंपर वैकेंसी है। राज्य में जल्द ही 45,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय पारित हो गया है। प्राथमिक स्कूलों में 40,518 शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि माध्यमिक स्कूलों में 5,334 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षक भर्ती के संबंध में जल्द ही ऑफिशियल अधिसूचना जारी कर जानकारी साझा की जा सकती है। इस भर्ती में हेड और प्रिंसिपल के पदों पर भी नियुक्तियां करने की संभावना जताई जा रही है। यह भर्ती प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा के बाद पूरी की जाएगी, जिसके तहत 45,000 के करीब सरकारी अध्यापक भरे जाएंगे। साथ ही आज पटना, रांची और नालंदा में भी निकली है बंपर भर्ती। इसके लिए अलग अलग संस्थानों से अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। जो लोग यहां नौकरी करना चाहते हैं, वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। पहली वैकेंसी स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की है, जिसमें कानून विशेषज्ञ और एसोसिएट निदेशक के पद के लिए आवेदन मांगा गया है। दूसरी वैकेंसी झारखंड स्टेट एंड कंट्रोल सोसाइटी रांची की है, जिसमें अप्रेंटिस अफेयर्स, मेडिकल ऑफिसर और अन्य पद के लिए आवेदन मांगा गया है। तीसरी वैकेंसी नालंदा सैनिक स्कूल की है, जिसमें काउंसलर के पद के लिए आवेदन मांगा गया है। ऐसे ही कई अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBC 24।